राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए पुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे, सुनीता नीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बसंत पंचमी जैसे आने वाली है उस पर हम ये ड्रेस बनाने वाले हैं गणपति जी के लिए। तो श्री गणेश करते हैं गणपति जी का। मेरे पास काफ़ी कमेंट भी आए थे मैं क्रोशिए से गणपति जी की ड्रेस बनाने सिखाऊं, क्योंकि मैं क्रोशिए से जो माता की ड्रेस बनाई थी तो मैं बना नहीं पाई अभी तक। तो चलिए अब बसंत पंचमी पे बना लेते हैं। बहुत ही एक पटका बनेगा, नीचे धोती बनेगी, क्योंकि गणपति जी बैठे होते हैं तो उनका पटका और धोती ही होती है। उसको कवर मैंने एक कपड़े के अंदर भी बनाई थी, जिसमें चोली भी बनाई थी, लेकिन वो हर किसी के गणपति जी के कैसे बैठे होते हैं, किसी के पीछे जगह ही नहीं होती बांधने के लिए, तो अलग अलग तरीके के होते हैं। तो हम एक सिंपल सी बनाते हैं पटका और धोती। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने ये 4 प्लाई की ऊन ली है, 10 नंबर का क्रोशिया लिया है और हम बनाने वाले हैं सिर्फ 2 इंच की धोती, क्योंकि 2 इंच की भी ज़्यादा है, क्योंकि बिल्कुल आलती पालती लगा कर बैठे होते हैं, आसन लगा के, मतलब कि पद्मासन में बैठे होते हैं, तो बिल्कुल ही उनका और भी कमी होता है। फिर भी हम 2 इंच बना रहे हैं और उनका इस तरीके से आप कमर का नाप ले लीजिए, जितने भी कमर है आपको उस हिसाब से ये धोती की जो है लंबाई रखनी है। चौड़ाई हम रख रहे हैं 2 इंच, तो हमने ये रखी है 6 इंच के करीब इस तरीके से, क्योंकि हमारे गोलू मोलू होते हैं गणपति जी, तो ये हमने 6 इंच की रखी है। और पटका जो है, हम जितना भी हमारा विग्रह है गणपति जी का, उस हिसाब से आपको कितना भी लंबा चाहिए आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो ये 9 इंच का हम इस तरीके से लेंगे, यानी कि लंबा लेंगे, और चौड़ा आप अपने हिसाब से जैसे आपको उड़ाना आप ले सकते हैं। तो हम इस तरीके से पहले चेन स्टिच करेंगे। तो चेन स्टिच हम जितनी लंबी हमें धोती बनानी है उसी हिसाब से हम इसे चेन डाल लेंगे। तो ये आपने गणपति जी के हिसाब से आप एक लंबी चेन बना लीजिए, और सिर्फ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे बिल्कुल सिंपल। तो ये देखिए, हमने कुछ चेन ले ली है और इसको हमने इस तरीके से रख के इंच टेप से नाप लेना है। ये देखिए, तो ये 6 इंच की ली है, लेकिन 6 इंच से ज़्यादा, क्योंकि जो पहली फर्स्ट रो होती है वो थोड़ी सी चौड़ाई कम होती है, उसके बाद थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ जाती है। तो ये हम कमर वाले हिस्से पे रखेंगे और नीचे वाला हिस्सा जो आएगा थोड़ा ऐसे घुमा, मतलब कि थोड़ा सा लूज आ जाता है, तो उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे। तो ये हमने चेन गिनी नहीं है, आप इस तरीके से इंच टेप से नाप लीजिए, और यहाँ से 1 2 3 तीसरी चेन में हम डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरीके से हम एंड तक डबल क्रोशिया लेंगे, कोई डिजाइन नहीं डाल रहे हैं। तो देखिए, हमने हर एक चेन में से डबल क्रोशिया बना लिया। अब लास्ट में आ गए, 2 चेन लेंगे और ये फर्स्ट चेन में से फिर से डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरीके से हमने बस बनाते जाना है, सिंपल सा एक पटका सा बन जाएगा पहले। ये देखिए, हर चेन में से हम डबल क्रोशिया ले रहे हैं। तो इसको हम अपने जितना भी आपको धोती बनानी है उसी हिसाब से आप इसकी चौड़ाई रख सकते हो। तो मैंने 2 इंच रखी है, तो उसको जैसे हम 1.5 इंच भी होएगी, जैसे मैंने बताया कि पद्मासन में बैठे होते हैं, तो उनके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं कि आपको नीचे तक बनानी है या, तो हम 2 इंच की बना के तैयार करते हैं। तो ये देखिए, हमने 4 रो बना ली है, इसको हम नाप लेते हैं। तो ये हमारा 1.25 बना है। अभी हम इस पर एक आउटलाइन करेंगे तो 2 इंच का हो जाएगा। तो अगर आपको एक कलर का बनाना है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ कर दूसरा कलर से आउटलाइन कर सकते हैं, और सेम बनाना है तो आप इसी कलर से बना सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसमें कलर चेंज करेंगे, कोई रेड या मैरून लगाएंगे। तो देखिए, हमने इस तरीके से ये बना लिया 4 रो में। अब हम आउटलाइन करेंगे, तो कहीं भी आप इस तरीके से इस धागे को लगा लीजिए। एक हमारा कमर वाला हिस्सा है और एक हमारा नीचे का, तो इस तरीके से हम कमर वाले हिस्से से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ऐसे धागा लगा दिया है, ये देखिए। तो इसमें आप चोली बना सकते हैं, बनाना चाहें तो, अगर आपके जो है अच्छे से, मतलब कि पीछे कमर पे जगह है, पीछे का हिस्सा दिखाई देता है, तो आप बना सकते हैं। तो ये हम हर चेन में से सिंगल क्रोशिए की एक एक आउटलाइन करेंगे, ये देखिए इस तरीके से, एक कमर वाले हिस्से पे यहाँ तक कर लेंगे। ये देखिए, किनारे पे आ गई, यहाँ पर भी हम इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो चारों तरफ हम एक एक बार
सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं। ये देखिए सिर्फ आउटलाइन करनी हमने। तो ये देखिए हमने इस तरीके से एक पटका टाइप का बना लिया है, शॉल के टाइप का जो भी आप कह सकते हो। और यहाँ से हमने बंद कर दिया, यहाँ से अब हम धागा कट कर देंगे। तो देखिए हमारा इस तरीके से बन गया। यहाँ पर सेंटर में एक पटका लगाएंगे, बिल्कुल सिंपल सा बनाएंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाएंगे। तो हमने क्या करना है, 2 इंच का हम बनाएंगे, तो 2 इंच की लंबी एक चेन बना लेते हैं इस तरीके से। जितना भी बड़ा आपको बनाना है उतनी लंबी आपको चेन बनानी है इस तरीके से। तो मैं कोई गिन नहीं रही हूँ, ऐसे ही बना रही हूँ, क्योंकि धोती तो हमारी मुड़ जाएगी तो हमें पटका बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए। देखिए हमने इस तरीके से बराबर ही बना लिया है, चाहे तो आप 1-2 चेन फालतू ले सकते हो। तो इसमें हमें वैसे भी लेनी है क्योंकि हमने बनाना शुरू करना होता है, तो हम यहाँ पर 3 चेन एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो ये हमारा इतना बन गया है। और यहाँ से 1-2-3 चेन ली हमने, तो 4th चेन में हम डबल क्रोशिया लेंगे। ये हमने एक बार डबल क्रोशिया ले लिया, उससे अगली चेन में। तो हमने चेन गिनी नहीं है, मैं आपको आइडिया से बता रही हूँ, क्योंकि आप अपने लिए बनाएंगे तो हम इसी तरीके से नाप के बनाएंगे। तो हम हर एक चेन में से नहीं लेंगे इस तरीके से, आधा ऐसे आपको चेन को आधा नाप लेना है, या तो आप चेन गिन लीजिए और आधे तक आपको डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये मैंने बना लिया 1-2-3-4-5-6-7 7 बनाऊंगी। तो यहाँ पर हमारी कितनी चेन है, 1-2-3-4-5-6-7, तो एक एक्स्ट्रा आ रही है हमारी। तो हम नीचे से 8 बना लेते हैं और ऊपर से 7, ऐसे हमने आधा कर लेना है। तो 1-2-3-4-5-6, ये देखिए 6 बना ली हमने, 7-8 दो चेन हमारी बची है। तो जब हमारी 2 बच जाएंगी तो हमें यहाँ पर अगली चेन में से 7वीं चेन में से हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, यानी कि तीनों को इकट्ठा हम निकाल देंगे और 8वीं चेन में से हम सिंगल क्रोशिया लेंगे इस तरीके से। ये देखिए तो थोड़ा सा ऐसी गोलाई आ गई है। तो कितनी भी चेन आपकी आपकी हो सकता है, 10 आए 20 आए, जितनी भी आप बना सकते हैं। तो ये हमारी 7 इधर थी 7 इधर, 14 15 चेन आई थी, तो हमने इस तरीके से ले लिया। अब यहाँ से आधी चेन ऊपर तक हम हर एक चेन में से सिंगल क्रोशिया लेंगे। बहुत इजी है ये, 2 ही रो में हमारा पटका, क्योंकि हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ये चौड़ाई अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं आखिरी तक चेन के सिंगल क्रोशिया ले रही हूँ। इसमें भी हम आउटलाइन करेंगे रेड कलर की। ये देखिए लास्ट में आ गए हम। अब यहीं से वापस इस साइड दूसरी साइड आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लास्ट वाली में से 1-2 और 1 हमने पहले लिए, 3 हो गए स्टिच हमारी। यहीं से हम वापस हो जाएंगे और गिन लीजिए यहाँ पर जहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशिया लिया था, यानी कि 1 हो चुकी है और 7 और लेनी, यानी कि 6 और लेनी, 1 ले चुके हैं। यानी कि लास्ट वाली में से हमने 3 बार ले लिया, अब हम 6 बार जो है सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। 2 हो गया 3 4 5 और ये 6। अब नीचे की 8 हमारी, ये देखिए इतना ऐसे बन गया हमारा। अब यहाँ पर पहले हम यहाँ पर जो हमने हाफ डबल क्रोशिया लिया था, तो फिर से हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया ले लेते हैं, यानी कि सारे स्टिच एक साथ निकाल देते हैं और बाकी यहाँ तक हम डबल क्रोशिया लेंगे। 6 लेनी हमने यहाँ पर, ये गिन लेना आपको, फिर आपको ध्यान रहेगा। 1 2 3 4 5 और लास्ट में ये 6, ये हमने 6 ले लिया, ठीक है। तो ये देखिए नीचे से खुल थोड़ा चौड़ा हो गया और ऊपर से इस तरीके से। तो यहाँ पर हम गोलाई करेंगे। तो ये जो लास्ट वाले, जैसे हमने यहाँ पर 3 लिया था, यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से 2 बार डबल क्रोशिया और ले लेते हैं, 1 और ये 2। तो टोटल हो गया 3, 1 पहले ले चुके हैं और यहाँ पर जहाँ से शुरू किया था
यहाँ पर हम इस तरीके से स्लिप स्टिच लेके बंद कर देंगे, धागे को कट कर देंगे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है। तो ये आप पटका किसी भी डिज़ाइन का बना सकते हैं। हमने इस तरीके से गोल बनाया है, आउटलाइन ही होगी, और इसे हम यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे जिससे गोलाई नीचे की तरफ आए। अब इसकी भी इसी तरीके से आउटलाइन कर देंगे, हर चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से आउटलाइन कर लिया। अब हमें इसके साथ इसको जोड़ना है। तो ये बिल्कुल आपको ऐसे सेंटर कर लेना है और यहाँ पर इसको आप सुई धागे की हेल्प से जोड़ेंगे। तो ये देखिए ये पटका इसको यहाँ पर ऐसे जोड़ना है बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से। तो ये हमने थोड़ा सा धागा यहाँ पर छोड़ दिया है, इसको बाद में जोड़ेंगे। उससे पहले हम ऐसे सेंटर करके ये देखिए यहाँ से हमने येलो कलर का धागा लगा लिया और सेंटर में से हम इस तरीके से कच्चा कर लेंगे। तो स्टिच के अंदर से आप कर लीजिए, ये देखिए ऐसे, ये देखिए इस तरीके से, और इसको हमने ऐसे खींच कर थोड़ा सा चुन्नटे कर लेनी है। चाहे तो आप इसको इस तरीके से बैक साइड में, उल्टी साइड है हमारी, तो यहाँ पर आप ऐसे इसको बांध भी सकते हैं, जिससे कि ये देखिए ऐसे हमने इसको ऐसे बांध देंगे तो ये अपने आप ही ऐसे हो जाएगा। ये देखिए, क्योंकि बहुत ही कम हमने करना, ज़्यादा नहीं करना, तो हमने इसको ऐसे, ये देखिए चुन्नटे खींच कर ऐसे हमने आपस में बांध दिया, ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ से ऐसे हो गया। तो ये देखिए ऐसे ये हमारा सीधी तरफ से हमने कच्चा किया था और पीछे से हमने ऐसे दोनों को बांध दिया, पक्का कर दिया, क्योंकि हमारा इस तरीके से गोलाई में आएगा। अब यहाँ पर हमने जो धागा छोड़ा था इसको, ये सीधी साइड है ये उल्टी साइड है, इसको यहाँ पर सेंटर में हम इस तरीके से इसको जोड़ देंगे। ये देखिए तो थोड़ा हमने अब ये देखिए लंबा बनाया था 2 इंच का, तो देखिए कितना लंबा हो गया, क्योंकि यहाँ से ये हमने इसको ऐसे कर दिया है। अब यहाँ पर हम इसको सुई धागे की हेल्प से जोड़ देंगे इस तरीके से, ये देखिए बिल्कुल सिंपल है। आप चाहे तो ये गोलाई नहीं देना चाहते तो स्क्वायर भी बना सकते हैं, एक सिंपल सा। तो ये हमने इस तरीके से इसको जोड़ दिया है और इसको जब हम इस तरीके से ऐसे जोड़ देंगे तो यहाँ पर भी आप एक टांका लगा दीजिए। ये देखिए पीछे धागा है, तो यहाँ पर सेंटर में भी आप इस तरीके से छोटा सा, जिससे ये दबा रहे, ये देखिए। तो हम रेड कलर से इस तरीके से हमने लगा दिया है, ये देखिए पता भी नहीं चल रहा। तो ये देखिए हमने इस तरीके से पटका लगा दिया है। तो जो गणपति जी महाराज बैठेंगे तो ये इस तरीके से गोल होके बैक साइड में, आप यहाँ पर भी चुन्नटे डाल सकते हो या फिर आप इस तरीके से बस एक डोरी लगा दीजिए पीछे से। आप ऐसे जब पहनाएंगे तो कुछ ऐसे आएगा और ये पटका इस तरीके से आगे आएगा। आप इसको हनुमान जी को भी पहना सकते हैं, दोनों को पहना सकते हैं। हमने इस तरीके से बनाया है। तो यहाँ पर एक एक डोरी लगा देते जिससे आप पीछे की तरफ से ऐसे पहना सकें। तो ये जैसे बिल्कुल जैसे नीचे आसन होगा तो ये बिल्कुल इस तरीके से आएगा और उसके साथ में हम एक पटका बना लेंगे। और आप एक लंबी डोरी बना सकते हैं और ऊपर से इस तरीके से कच्चा करके पहना लेंगे तो आपका, अगर मान लीजिए ये लूज है तो आपका, आप अपने हिसाब से इसको टाइट या लूज रख सकते हैं। तो हम एक चेन लंबी बना लेते हैं डोरी बनाकर, उसको हम जैसे डोरी या नाड़ा डालते हैं किसी भी पजामे में, इसी तरीके से हम इसे डालेंगे। तो ये देखिए हमने ऐसे डोरी बना ली है। तो इसको आपको क्या करना है, ये जो ऊपर का कमर वाला हिस्सा है यहाँ से इस तरीके से कच्चा करते हुए, ये देखिए चाहे तो रेड कलर में से या आपको येलो कलर में से कहीं से भी ऐसे आप इसको डोरी को आप निकाल लीजिए ऐसे पकड़ के, ये देखिए। तो इससे ये क्या होगा कि आपकी अगर लूज है तो आप इसे टाइट कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आपको यहाँ से डाल लेना है और यहाँ से हमने सिल दिया। तो इस डोरी को इसके पटके के नीचे से ऐसे क्रोशिया लेके ऐसे आप निकाल लीजिएगा, ये देखिए, और फिर यहाँ पर इसी तरीके से कच्चा करते हुए ऐसे डोरी को इस तरफ भी निकाल लीजिए। तो इजी है पहनाने के लिए भी। तो ये देखिए हमने चेन स्टिच से ऐसे एक डोरी बनाई और उसके अंदर इस तरीके से डाल दी, जिससे कि आप अपने हिसाब से कमर को कम या ज़्यादा खींच कर कर सकते हैं। तो हमने इसी तरीके से पटका भी बना लिया है, क्योंकि सिंपल एक डबल क्रोशिया का बनाया है हमने,
जैसे कि हमने शुरू में ये बनाया था, सेम ऐसे ही एक लंबी चेन बनाकर 3 बार डबल क्रोशिया किया। ये चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और लंबाई भी, क्योंकि मेरे पास किसी का कोई साइज़ तो है नहीं, मैं अपने ही हिसाब से बना रही हूँ, अपने ही मतलब कि गणपति जी के लिए बना रही हूँ। तो हमने यहाँ से फिर लेस बनानी शुरू कर दी, बिल्कुल सिंपल लेस है। मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाई है। तो यहाँ पर कैसे कोना मोड़ा जाएगा, इसलिए मैं यहाँ कोने पर आके रुक गई हूँ। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर जो है स्लिप स्टिच लिया, और ये कोने पे हम इस तरीके से 4 बार सिंगल क्रोशिया लेंगे, 1, 2, 3 और ये 4, क्योंकि यहाँ गोलाई है। और फिर यहीं पर हम एक स्लिप स्टिच ले लेंगे, ये देखिए, और ये धागे जो भी हमने दबा दिए बीच में, इनको बाद में कट कर देंगे, ये देखिए। अब इससे आगे हम इसी तरीके से सेंटर में 3 बार फिर, अब यहाँ पर कोनों पे तो हमने 4 बार ली, यहाँ पर हम 3 बार लेंगे, 3 बार सिंगल क्रोशिया और उससे आगे स्लिप स्टिच, फिर उससे आगे यहाँ पर 3 बार, एक कोना है हमारा तो यहाँ पर हम 4 बार ले लेते हैं सिंगल क्रोशिया, और ऐसे मुड़ जाएंगे, और यहाँ पर फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच। तो ये देखिए इस तरीके से बन गया। अब यहाँ पर भी हमने एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से हम ले रहे हैं, यहाँ पर स्लिप स्टिच लिया, उससे अगली चेन में 3 बार सिंगल क्रोशिया, 1, 2 और ये 3, 3 बार सिंगल क्रोशिया, उससे अगली चेन में स्लिप स्टिच ऐसे किया और ऐसे निकाल दिया, फिर उससे अगली चेन में 3 बार सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से हम पूरी लेस तैयार कर लेंगे, अगली चेन में स्लिप स्टिच। तो देखिए इस तरीके से लेस बनी है। तो इस तरीके से हमने चारों तरफ करके यहाँ सेंटर से शुरू करी थी, और यहाँ पर आ गए, यहाँ पर स्लिप स्टिच लेके हम ये देखिए इस तरीके से, और धागे को कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा पटका बनके तैयार हो गया है, शॉल भी कह सकते हो। और ये धोती, ये हमारे बजरंगबली, हनुमान जी, रामदूत हनुमान जी और गणपति जो दोनों के लिए हम इसे ड्रेस को पहना सकते हैं। तो मेरे पास ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ गणपति जी की, ये देखिए मेटल की मूर्ति है। तो ये 100 पीस है, इसे मैंने मंदिर में नहीं रखा, मंदिर में मेरी मिट्टी की है जिसकी मैंने ड्रेस बनाई है। तो मैं आपको इसको पहना के दिखाऊंगी, क्योंकि इसको फिर वॉश करके हम फिर पहनाएंगे। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से ये बैठे होते हैं, ऐसे ही मेरे मिट्टी वाले भी बैठे हैं, तो बिल्कुल जरा से इनके पाँव जो दिखाई देते हैं, जो पद्मासन में बैठे हुए हैं। तो इसलिए हमने धोती को थोड़ा सा ऐसे दबा दिया। तो यहाँ पर बिल्कुल आप ऐसे कमर पर पहनाएंगे, तो ये थोड़े से मोटे हैं, इनसे थोड़े मेरे पतले हैं, तो उनके हिसाब से मैंने बनाई ये इस तरीके से। ये देखिए ऐसे बैक साइड में जाएगी, और ऐसे हमारी धोती बन जाएगी, और ये पटका हमारा आगे की तरफ इस तरीके से आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक दिया बनाया हुआ है इसलिए। तो वो मेरे जो मिट्टी वाली है वो थोड़ी सी अलग है इस तरीके से। तो ये हमारी ड्रेस कुछ इस तरीके से तैयार हुई है। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और बिल्कुल ईजी है, आप आराम से बना लेंगे। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।